What's up guys, welcome back. तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिग बॉस OTT 3 रोस्ट फीट वड़ा पाव गर्ल एंड अरमान मलिक। ये जो वीडियो है ये थकेश भाई के चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो जाइए थकेश भाई के चैनल पे जाके वीडियो देखिए। इस वीडियो का क्रेडिट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिग बॉस OTT सीजन 3 आ चुका है एंड आई नो आप लोग देखना चाहते थे मेरे को वहां पे, बट मैं अपने आप को नहीं देखना चाहता था वहां पे, इसलिए इस साल नो। यस इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर। एक तो बहुत दिन हो गए डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो नहीं बनाया, कोई व्यूज लायक बंदा ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं। लेकिन आज हम देख रहे हैं डाउनफॉल मिटाओ योजना बिग बॉस OTT सीजन 3 को। यस, अभी तक प्रॉपर बिग बॉस शुरू नहीं हुआ है, ओके, तो अभी तो मैंने मिल्किंग चालू नहीं किया है, ठीक है। यस, इस साल भी इतना मिल्क करूंगा कि फिर मेरे को स्टेज पे बुला लेंगे, आजा इधर भी आके मिल्क कर ले। एंड इस साल भी बिग बॉस ने भर भर के इन्फ्लुएंसर्स को डाला है। यार आई एम सॉरी, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है गाइस, ऐसा पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सालों बाद रोस्ट कर रहा हूँ। बट यार इस साल भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भर भर के डाला है। बिग बॉस कम फैन फेस्ट ज्यादा लग रहा है, मेरे को कभी नहीं बुलाते, बीटी है लाइफ। बट पहले कंटेस्टेंट कौन है? अरमान मलिक। Yes, इंस्टा पे अगर आपको नहीं पता तो एक से ज्यादा लोग के साथ आप कोलैब फीचर डाल सकते हो, तीन लोग भी कोलैब कर सकते हैं एक पोस्ट पे। Yes, वो अरमान मलिक के लिए आया है। अरमान मलिक को देख के लगता है हमेशा साथ में बैकग्राउंड डांसर्स लेके घूमते हैं। Yes, जिसको नहीं पता, अरमान मलिक इसलिए फेमस है क्योंकि उनकी दो बीवियां हैं, हम पहले भी रोस्ट कर चुके हैं, एंड वो प्रैंक्स भी करते हैं। लेकिन अभी तक का उनका सबसे बड़ा प्रैंक यही था कि उन्होंने बिग बॉस को कन्विंस कर दिया कि वो उनकी TRP बढ़ाएंगे। जनरली बिग बॉस में क्या, कपल अपल जाते हैं जिसमें से एक एलिमिनेट हो गया तो दूसरा अकेला फील करता है, फिर वो किसी और पे लाइन मारता है। इधर तो टेंशन ही नहीं है, दो बीवियां जा रही है, बीवियां इसको बाहर नहीं होने देंगी। मालूम पड़ा अरमान पहले एलिमिनेट हो गया, दोनों बिचारी बाहर आई कि एक तीसरी वेट कर रही है। अरमान यस, जनरली देखो बिग बॉस में बेड बेड शेयर होता है, बट इस साल घर में पति शेयर होगा। अरमान भाई बाहर किसी को तो छोड़ के आते, फैमिली से मिलने वाला एपिसोड होगा तब कौन आएगा, सब तो अंदर ही है। मैं भी तो अनाथ हूं, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? अब आप सोच रहे हैं कि मैं अरमान मलिक को इतना क्यों रोस्ट करता हूँ। देखो मैं जलता हूँ उनसे कि उनके YouTube चैनल्स और बीवियां हमेशा मेरे से ज्यादा ही रहेंगे। अगली आई है हमारी वड़ा पाव वाली। Who would have expected? Yes, बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म की मिसाल पे सवाल उठाने वाली वड़ा पाव वाली दीदी, AKA चंद्रिका दीक्षित। Yes, इन्होंने जेल जाने के बाद बिग बॉस में आने वाली प्रथा जारी रखी, एंड ये बिग बॉस के घर में अकेली आई है, यहाँ पे पति को लेके नहीं आई है। क्या इधर कैमरा पकड़ने और माइक लगाने के लिए क्रू वाले होते हैं? वड़ा पाव बना लेगा बाहर और क्या। ये भगवान क्या जुलुम है। पति को मेरे ख्याल से इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि अंडर द टेबल बाकी आजू बाजू के कंटेस्टेंट्स को हटाना पति को तो अच्छे से आता है, पर दूसरे कंटेस्टेंट को एक टाइप से फायदा है कि टेस्ट और हाइजीन के साथ फ्री में वड़ा पाव मिलेंगे घर के अंदर। लेकिन कोई भी घर में किचन का सामान और खासकर बेसन बर्बाद नहीं करना, वरना शुरू हो जाएगी। यस दीदी, वड़ा पाव दीदी ने थैले से फाइनली अपग्रेड किया था रिसेंटली, अभी एक प्रॉपर दुकान खोली थी उन्होंने। यस, अपनी दुकान खोल के जियो की दुकान बंद कराने आई। नहीं मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। लेकिन चंद्रिका जी के लिए यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ आता है उनको, रोना धोना आता है, फेक ड्रामा फेक एक्टिंग करना आता है। सिर्फ एक चीज वो यहाँ पर नहीं कर सकती, आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होने पे स्कूटी पे भाग नहीं सकती। आई होप उन्होंने अपनी सारी जरूरतमंद की चीजें कैरी की हो, जैसे वो उनका हेयर बैंड और वो क्या है विक्टिम कार्ड। ये विक्टिम कार्ड है जैसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं, जरूरी है। पर चंद्रिका जी आपसे यही उम्मीद है कि कोई भी आपके खिलाफ कोई ओपिनियन दे तो सहन कर लो, वरना वीकेंड के वार पे अनिल जी को दल्ला बोल दिया तो हो गया, फिर देख के लग रहा है अच्छा मैं नहीं गया, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके टॉक्सिसिटी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहने का। टॉक्सिसिटी मतलब भाई धूप भाई सबसे ज्यादा आपकी स्किन खराब करती है। मैं पर्सनली सनस्क्रीन हर सुबह अप्लाई करता हूँ अपनी स्किन पे, एंड ये भी सोचना पड़ता है कि सन प्रोटेक्शन चाहिए, नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहिए, एंड कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहा था जो दोनों चीजें एक ही चीज में दे सके, एंड तभी मिला मामा अर्थ का राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन, जो सन प्रोटेक्शन तो देता ही है लेकिन ड्यूई ग्लास स्किन ग्लो देता है, जिसमें SPF 50 एंड PA++++ प्रोटेक्शन है, एंड मेन चीज ये लाइट वेट है, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता भाई तुम्हारी स्किन पे, एंड आप इसको डेली यूज कर सकते हो क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, मतलब इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिन्स नहीं है। पर इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है, राइस वाटर, जो कि आपकी स्किन को सन डैमेज से बचाता है, एंड ड्यूई ग्लास स्किन ग्लो देता है, एंड नायासाइनामाइड जो कि डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करता है, एंड एक इवन स्किन टोन देता है। आप देख सकते हो सनस्क्रीन लगाने से पहले एंड बाद में कितना अच्छा फर्क है। इतना ही नहीं, मामा अर्थ की और भी सनस्क्रीन्स है जो सन प्रोटेक्शन के साथ और भी बेनिफिट्स देती है, जैसे बीट रूट
हाइड्रा फुल सनस्क्रीन जो कि सन प्रोटेक्शन से बचाती है और हाइड्रेट करती है स्किन को, विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन फॉर सन प्रोटेक्शन एंड रेडिएंट ग्लो, उपटेन डी टैन सनस्क्रीन जो सन प्रोटेक्शन प्लस स्किन डी टैन करता है, अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन, लाइट वेट स्किन सूदिंग विद सन प्रोटेक्शन एंड हाइड्राजेल इंडियन सनस्क्रीन जो कि नॉन स्टिकी सनस्क्रीन तो है ही बट इसमें गुडनेस ऑफ एलोवेरा भी है एंड रेसबेरी। एंड जैसे आपको पता है मामाअर्थ लिसंस टू यू, तो आप प्रोडक्ट यूज करो एंड अपना फीडबैक उनके साथ शेयर करो। रिसेंटली उन्होंने अपना ओनियन हेयर शैम्पू जो है वो इम्प्रूव किया बेस्ड ऑन योर सजेशंस एंड रिसर्च एंड बेटर क्वालिटी से हमेशा ये प्रोडक्ट्स अपने इंप्रूव करते हैं। एंड जैसे आपको पता है मामाअर्थ अमेज़न फ्लिपकार्ट नाइका पे तो अवेलेबल है ही, लेकिन अभी आपके नियर बाय स्टोर से भी मिलेगा, तो कहीं भी प्रोडक्ट दिखे तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड हमारा कोड तो है थगेश2024 जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा जो कि वैलिड है mamaearth.in एंड उसके ऐप पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर लेना। अगला कौन? ओहो बीट चेंज। यस, इसलिए मैं नहीं गया क्योंकि एक ही ओहो बोलने वाला जा सकता है एक सीजन में, इसलिए नेजी भाई गए। यस, नेजी भाई जो ऐसे रास्ते को फॉलो करते हैं जिनसे उनका करियर का खात्मा बहुत बुरी तरह हो रहा है। अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। मेरे को तो अभी लग रहा है तला अंजुम का डिस्ट्रैक्ट वाला सीन सब बिग बॉस प्रमोट करने के लिए था। देखो ये फेक लफड़े करने वाले ना सुधरेंगे ही नहीं कभी, शर्म आना चाहिए। यस, नेजी जिन्होंने अभी अभी एक डिस बैटल किया पाकिस्तानी रैपर तला अंजुम के साथ। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंडियन लोग पाकिस्तानी सिंगर को सपोर्ट कर रहे हैं बीफ में। इनको पता है कौन तला, तेरे जैसे चार भागे ताए भाई, जब करता है एक आधा फोन तला, तेरा घर जाए मेरे जूते के। बिग बॉस में भी मेरे को लगता है नेजी के ऑपोजिट वाले को ही वोट कर देंगे लोग, चाहे फिर वो टीवी एक्टर ही क्यों ना हो। नेजी अगर आपको नहीं पता तो यस, इन पे ही गली बॉय मूवी बनी थी एंड लेजेंड है रैप सीन के। करंटली उतना फ्लो वगैरह आ नहीं रहा है उनका। मैंने खोला उसमें डाला हुडी, थोड़ा बहुत मूडी, मेरे को लगा मैं तो अब क्या करूंगा, क्यूटी बोले लड़कियां। बट आई जेन्युइनली होप नेजी भाई का कमबैक हो जाए, नहीं तो कुछ नहीं तो बुलेट तो वापस आ ही जाएगी बिग बॉस के बाद। बट अच्छा वो नेजी भाई के ऊपर ऑलरेडी बायोपिक बन चुकी है, वरना कैसा लगता अगर क्लाइमेक्स सीन में बिग बॉस में जा रहे रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। नेजी को देख के एक ही चीज दिमाग में आता है, वेट करो क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट विशाल पांडे पे जो कि अपने भाई है, जो कि यस तीन तिगाड़ा का पार्ट है, मेहरमान मलिक की बीवी नहीं है। यस, मैं बात कर रहा हूँ उस टिकटॉकर के बारे में जिनका करियर टिकटॉक के साथ डिलीट नहीं हुआ, विशाल पांडे। विशाल पांडे और हम रिसेंटली सीएम साहब से मिलने गए थे। खास बीस है नहीं बट हाय सर। हाय, मैं आपके आपका पड़ोसी हूँ। ओके, मतलब एकदम बाजू में ही रहता हूँ। थैंक यू। बट विशाल ऑलराउंडर है, फैशन, डांस, कॉमेडी, लाइफस्टाइल, हर चीज खराब कर चुके हैं। विशाल भाई का यूट्यूब चैनल भी प्रैंक से भरा हुआ है। यस, वो फनी होने का डेयर करते हैं लेकिन लोगों को प्रैंक लगता है। एक्टिंग है। ये अपने तीन तिगाड़ा वाले साथियों को साथ में लेके नहीं गए क्या? फैन एडिट बनाने के लिए कोई तो बाहर चाहिए ना। ये जैसा मैंने बोला हम सीएम से मिलने गए थे, वहाँ पे इन्होंने सीएम सर के साथ वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने टूरिज्म प्रमोट किया ताकि इनके कंटेंट से दूर भागने का जगह मिले। बट आई जेन्युइनली होप विशाल भाई अच्छा करे एंड हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है, बस मेरे भाई हग मत देना। अगले है बिग बॉस में नीरज गोयात। अरमान भाई रिसेंटली चैलेंज कर रहे थे UK07 राइडर को बॉक्सिंग मैच के लिए। UK07 तो नहीं मिले लेकिन उनको ट्रेन करने वाला नीरज गोयात है। बट आई जेन्युइनली होप नीरज भाई ने UK07 को सिर्फ सिखाया हो, सीखा ना हो। नीरज भाई ऑनेस्टली एक प्रॉपर इन्फ्लुएंसर है जो कि बॉक्सिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं एंड वो अपने गुरु मानते हैं माइक टाइसन को, वो अपना इंस्पिरेशन मानते हैं माइक टाइसन को एंड होना भी चाहिए, बिग बॉस में भी कान तो चबाना ही होता है। यस, नीरज भाई ने हमेशा ट्राई किया है कि वो इंडिया में बॉक्सिंग प्रमोट करे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। मेरे को लगता है नीरज भाई ऐसे रेयर कंटेस्टेंट होंगे जिनका खुद का घर बिग बॉस के घर से बड़ा है और करियर बाकी कंटेस्टेंट से। नीरज भाई ने मुक्काबाज और तूफान जैसी मूवीज में भी काम किया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नीरज भाई अगर स्क्रिप्टेड फाइट करते हुए मिले तो आपको हैरानियत ना हो। नीरज भाई बाकी तो हमारा सपोर्ट है, आपको बस हाथ नहीं चलाना बिग बॉस के घर में, ठीक है? जुबान वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मनीषा रानी, आई मीन वन्नाबी मनीषा रानी शिवानी, जो कि डेली व्लॉगर है। पता नहीं सरवाइव कैसे कर पाएगी, यहाँ तो फैमिली को एक्सप्लोइट नहीं कर पाएगी। इन्होंने बेसिकली आते ही रोने की एक्टिंग, ओवर एक्टिंग शुरू कर दी और आते ही इन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। स्टेज पे आते अनिल कपूर के साथ व्लॉगिंग चालू की, मतलब ये व्लॉगर लोग ना। आते ब्लॉग कर और वो भी रो भी रहे हैं, बोली बोली बोले क्या बोलना चाहते हैं, मेरा सपना पूरा हो गया। अगले साल से मेरे को लग रहा है बिग बॉस वाले ना कैमरा नहीं लगाएंगे, 30-40 ब्लॉगर छोड़ देंगे घर में, जाओ 24 घंटे में 30 घंटे का कंटेंट निकाल लेंगे। एक तो शिवानी को देख के ऐसा लगता है अगर राजा ब्लॉग्स फीमेल होता ना।
वही देखो क्लिकबेट थंबनेल्स, वही प्राइवेसी का मजाक। इनके ब्लॉग्स में एक चीज इंटरेस्टिंग है, टाइम भी दिखाना हो या आईफोन का स्क्रीन दिखाती है, लॉक स्क्रीन दिखाती है, लेकिन रोना हर दूसरे ब्लॉग में। इनसे तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि फैंस को मैनिपुलेट करके हैशटैग चलाए। शिवानी ने आते ही विक्टिम कार्ड खेला सिंपैथी गेन की, वड़ा पाव वाली से कम्पीट करके। देखो अभी बोल के ले रहा हूँ मैं, धीरे धीरे ये सब पे बोलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनका फैन पेजेस बन जाएगा। क्या अभी बोल के लेता हूँ मैं, बाद में शिवान्यास वगैरह कुछ ऐसे सब बन जाएगा तो बाद में आते हो कमेंट में, तो अभी बोल के ले रहा हूँ। नेक्स्ट है सना मकबूल। यस, अगर बिग बॉस में एकाध सना ना हो हर सीजन में तो बिग बॉस को मजा ही नहीं आता है, और एक सना तो चलती ही नहीं है बिग बॉस को। यस, ये खतरों के खिलाड़ी की फेम है, ये बिग बॉस वालों का सही है। बिग बॉस वाला खतरों के खिलाड़ी में जाएगा, खतरों के खिलाड़ी वाला झलक दिखलाजा में जाएगा, किसी का अगर सैड स्टोरी है तो इंडियाज गॉट टैलेंट में जाएगा। बट ये एकदम सोबो साउथ दिल्ली वाली लड़की होने का प्रिटेंड कर रही है, पर इनका एक्सेंट जो है थोड़ा अंग्रेजों की तरफ जा रहा है, और इनका हेट शिवानी की तरफ। इनको देख के ऐसा लगा मेरे को, पता नहीं अचानक से स्टूडेंट ऑफ द ईयर के कैंपस में आ गए। इसको हिंदी ही नहीं आता, और एक है जिसको इंग्लिश ही नहीं आता। करो लड़ाई। सना को बचपन में कुत्ते ने काटा, और ये बात जब शिवानी को मालूम पड़ी तो बहुत हंसी, और आगे जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड से बिचिंग किया। एक गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप ना लाइव आ गया, ऐसा लग रहा है 24 आवर लाइव चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है सस्ती करण जौहर की फिल्म बना रहे। 3-3.5 घंटे का एपिसोड और ऐसे कंटेस्टेंट, वो तो मैं व्यूज का भूखा हूं वरना सो जाऊं। और नेक्स्ट कंटेस्टेंट, वेरी शॉकिंग कंटेस्टेंट, रणवीर शोरे। यस, ओनली गाय जिन्होंने करियर में सबसे ज्यादा उखाड़ा है इन लोगों में से। रणवीर शोरे ने आते ही कहा कि मैं यहाँ पे आया ही हूँ इमेज डिस्ट्रॉय करने। सही रास्ता, एकदम सही रास्ता चुना है। अगर ठीक से नहीं हो पाई तो लफड़ा सेंट्रल में आना, उधर कर देंगे। रणवीर भाई ने भी क्लियरली बोल दिया कि यहाँ आया हूँ क्योंकि काम नहीं था। अरे बिग बॉस का घर है कि ओल्ड एज होम बॉलीवुड का? इसलिए साजिद खान भी आ गया। ये उन्होंने आते ही बोला कि घर में फोन नहीं है तो हाथों की लकीरें देखकर टाइम पास करना पड़ेगा। सर वो ठीक होती तो यहाँ थोड़ी आते। अरे तू जहाँ बोले उस नर्क में आऊंगा। देखो आगे अगर मैं कभी गया ना तो सिर्फ यही क्लिप निकलेंगे। एक तो बेचारे इतने बड़े एक्टर आए, उनको अंदर पूछा जा रहा है आप कौन हो, अब क्या करते हो। यही चीज लास्ट टाइम पूजा भट्ट के साथ करते तो चल जाता, उनको तो महेश भट्ट भी भूल गए। पर रणवीर शोरे यार कितने बड़े बड़े वेब सीरीज में काम किया है उन्होंने, टाइगर, सेक्रेट गेम, सिंग इज किंग, और मेरा फेवरेट जिस्म। बेचारे आके यहाँ पहले ही दिन बेड के लिए लड़ रहे, ऐसा डाउनफॉल ना दिखाए कोई। अगले है साई केतन राव। साई केतन राव एक टीवी एक्टर है, मेहंदी है रचने वाली, चाशनी बिशनी ऐसे सब सीरियल में आए, ये सब मुझे नहीं पता था, उन्होंने खुद से ही बताया। जैसे इन्होंने ये भी बताया कि इंजीनियर है और MBA है। अगर एक्टर होने के बावजूद आपको ये सब बताना पड़ रहा है तो आप सही जगह आए हो। देखो ये आते ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, एंड मैं भी इनको देख के थोड़ा इमोशनल हो गया, रिलेट विलेट कर रहा हूँ, जब तक इन्होंने खुद को ग्रीन फ्लैग ना बोला। अगर कोई लड़का अपने आप को ग्रीन फ्लैग बुला रहा है तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, इस पे तो एक वीडियो भी बनाई है हमने। इन्होंने भी आते ही बोला कल सुबह जिम में मिलता हूँ, लगता है इनका भी व्लॉग चैनल सही चलता तो यहाँ ना आते। बर्तन साफ करना, पानी भरना। एक तो लास्ट सीजन में टीवी वर्सेस यूट्यूब हुआ ना, तब से बहुत मन कर रहे टीवी वालों को रोस्ट करने का। फिर सोचता हूँ छोड़ो यार यूट्यूब वाले भी कौन सा अपने साथ है, अपने साथ एक ही होता है ऑडियंस। फिर जैसा मैंने बोला एक सना से शांति नहीं मिलती, तो एक और है सना सुल्तान खान। पहले मेरे को लगा वो पंजाब के शशांक सिंह जैसे गलती से एक और सना को ले लिया। सना इस सीजन की सबसे बड़ी ट्विस्ट है, उनका ट्विस्ट होना बनता भी है। सना की स्पेशलिटी ये दिखाई गई कि उनको उर्दू आती है, उनका लहजा वहजा सब बोलते हैं ना वो सब सही है। परफॉर्मेंस दी बिल्कुल नजाकत के, आपने 4 चांद लगा दिए। मैं बहुत लोगों से मिल रहा था मगर थोड़ा सा भी क्या नजाकत है, क्या अदा है। वो तो जाकिर खान का भी सही है, लेकिन वो लड़की नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा। साना ने अनिल भाई को भी शेर सुना, अनिल भाई ने वाह वाह किया, कुछ समझा नहीं उनको। कोशिश की मुझे बहुत लोगों ने गिराने की पर गिरा नहीं पाए। आई एम श्योर 12th स्टैंडर्ड में मैंने किसी FB पेज से रिपोस्ट किया होगा अपने FB पेज पे। फिर इसमें पोलोमी पोलो दास, जिनको सबसे पहले मैंने आल्ट बालाजी पे देखा था, रिसर्च पर्पजेस से मैं गया था वो ऐप पे। सच्ची एंटर कार्ड देना ही, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्होंने भी नागिन सीजन 6 में काम किया है, और सीजन आए ना नागिन के कलर्स वालों, जू रख दो तुम्हारा नाम, लास्ट वार्निंग। बट दीदी ने आते ही बहुत सारी डिमांड रखी, अनिल कपूर को बोला उनको रोज नॉनवेज चाहिए। जैसे अनिल कपूर इधर का कसाई है, उन्होंने बोला वो बंगाल से है तो उनको फिश खाने की बहुत आदत है। इनका बस चले स्विमिंग पूल में पापलेट विपलेट छोड़ दे। इनको 8 घंटे की नींद भी पूरी करनी है, दीदी तो रिजॉर्ट में आई है। बट इनके बारे में सिर्फ एक बात अच्छी लगी, यही एक है जिन्होंने नेजी को चुप कराई। अगले है दीपक चौरासिया, जो कि इन्फ्लुएंसर हेटर है क्योंकि
उनको 90-120 सेकंड की रील्स में मजा नहीं आता, बोला इन्होंने। और क्या रिपोर्टर की तरह मुझे ड्रग दो चिल्ला नहीं पाते। दीपक जी के पैरों में जो कि चोट लगी है, जैसे ही वो घर के अंदर घुसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स ही आए उनको हेल्प करने, टीवी वाले तो आए नहीं। वो क्या शो हो या इंसान, ऊपर उठने के लिए आजकल सबको इन्फ्लुएंसर्स का ही सहारा लेना पड़ रहा है। इस दीपक चौरसिया एक बार ट्विटर पे ट्रेंड हुए थे क्योंकि लोगों को लग रहा था वो दारू पी के रिपोर्टिंग कर रहे थे, घर में भी वो फुल गुटखा बिटका खा रहे। बिग बॉस वाले को हमेशा एक आदमी चाहिए होता है जिसकी शराब नहीं छूटती। लेट्स सी दीपक जी का स्टिंग ऑपरेशन काम आएगा बिग बॉस के घर में इम्पोस्टर ढूंढने या नहीं। तो ये ना टीवी वाले इसके लिए पीछे रह गए, इम्पोस्टर वाला गेम सबने लॉकडाउन में खेल के खत्म कर दिया। बिग बॉस वाले ना जब फ्लाइंग कार रहेगी तभी स्टीम ट्रेन में बैठेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मुनीषा खतवानी की। जिनको नहीं पता ये कौन है, मुझे भी नहीं पता, तो जिनको पता है वो बता देना। ये एक टैरट कार्ड रीडर है, ये फ्यूचर वगैरह बताती है उतने ही कॉन्फिडेंस से जितना दीपक चौरसिया ने एग्जिट पोल्स बताए थे। आज इस ड्रेस कोड में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस ड्रेस अप में मैं क्यों हूं। दरअसल ये सिमी ग्रेवाल के शो में टैरट रीडिंग फ्यूचर बताने का काम करती थी। बहुत लोगों को याद नहीं होगा, जो लोगों को याद नहीं रहते उनको ही तो बुलाते बिग बॉस। ये बेसिकली प्रिडिक्ट करती थी किसकी शादी होगी, किसका हस्बैंड भाग जाएगा, कौन किससे चीटिंग करेगा, बेसिकली मोहल्ले की आंटियों वाला काम लेकिन कार्ड लेके। अगर आप गूगल पे इनको सर्च करो तो इनके फिल्म का नाम आएगा TFTNW। इनका इसका फुल फॉर्म है द फिल्म दैट नेवर वॉज, शॉर्ट फॉर्म है फ्लॉप। मेरा भी एक्टिंग करियर ऐसा होता ना, नाम के आगे एक्ट्रेस लगाने से पहले बेरोजगार लगा देता। इनके प्रिडिक्शन भी बहुत एक्यूरेट होते हैं, सेम वेदर फोरकास्ट जैसे। नहीं, हर सीजन एक भविष्यवाणी वाला रहता ही है। मैं इनके बारे में एक प्रिडिक्शन करता हूँ, ये पक्का सीजन की विनर हो गई। अगर बीच सीजन में अरमान मलिक का ब्रेकअप हो जाए, तीसरी को लेके भाग जाए, कटारिया और विशाल एक दूसरे का खून कर दे, नीरज का फाइनली जेक पॉल के साथ बॉक्सिंग मैच हो जाए, और शो के बीच में वड़ा पाव वाली को मालूम पड़े कि बाहर बेसन की तंगी हो गई है, पक्का जीत जाएगी। बट आई थिंक यही कंटेस्टेंट है, बाकी और भी कंटेस्टेंट है, नेजी दबा है, कटारिया है, एंड बाकी अपने इन्फ्लुएंसर्स है, तो बाकी और भी वीडियोस तो बनाने हैं ना भाई, तो थोड़ा तो बचाना पड़ेगा। बट आपको क्या लगता है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, नीचे कमेंट से बताओ। एंड लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पे फॉलो करने का रहता, ठीक है, इस पे 2 मिलियन करने का रहता फाइनली। एंड पिछला लफड़ा सेंट्रल का एपिसोड नहीं देगा तो यहाँ पे टैप करके देख लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।